Hi, good morning everyone. Good morning guys. Good morning and welcome to the class. Good morning Sohani, how are you? Good morning. चलो तो स्टार्ट करके वेलकम टू अन अकेडमी वेलकम टू अन अकेडमी गाइस एंड माय नेम इज अदिति. एज यू ऑल नो कि मैं अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए तीन कोर्सेज लेकर आती हूँ. वन कोर्स कम्स ऑन इन आर्ट एंड कल्चर, एक कोर्स आपका आर्ट एंड कल्चर पे आता है, ठीक है. दूसरा आता है आपका एंशियंट इंडिया पे, और इसमें एंशियंट इंडिया को हम लोग कवर कर रहे हैं थ्रू मैप्स. ऑलराइट, एंड थर्ड कोर्स आ रहा है आपका एनसीईआरटी पे, ठीक है. तो ये जो एनसीईआरटी पे कोर्स है ये आ रहा है आपका 20 को, और इसमें हम लोग सारी एनसीईआरटीज जो हैं, ठीक है, जितनी भी एनसीईआरटीज हैं उन सारी एनसीईआरटीज को करेंगे कवर ऑन योर प्लस प्लेटफॉर्म. तो जिसने अभी तक प्लस नहीं लिया है, डू नॉट फॉरगेट टू टेक प्लस सब्सक्रिप्शन. जब भी आप प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे आपको एक कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 10% ऑफ चाहते हो तो यूज करो कोड, ठीक है. एंड द कोड इज अदिति S10, ठीक है. अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हो तो आपको मिल जाएगा स्ट्रेट अवे 10% एक्स्ट्रा ऑफ. तो 10% एक्स्ट्रा ऑफ अवेल करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट यूज दिस कोड अदिति S10. ऑलराइट, चलो तो यहाँ पर आप लोग सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं प्लस ज्वाइन करने के बाद. आप लोग यहाँ पर आप लोग यहाँ पर अच्छे खासी तरीके से यहाँ पे अपनी जो पढ़ाई है यूपीएससी की वो अन अकेडमी पे कर सकते हैं. ऑलराइट, सो चलो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस. नाउ लेट्स स्टार्ट. ओके, चलिए आपका क्वेश्चन आएगा अभी. कल हम लोगों ने आई थिंक 47 पे छोड़ा था. देखिए क्वेश्चन नंबर 47. Which of the following are anti-stage right against exploitation in the Constitution of India? सबसे पहला यहाँ पर statement है prohibition of traffic in human beings and forced labour, abolition of untouchability, protection of interest of minorities, prohibition of employment of children in factories and mines. Okay, the answer is C, definitely. राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन इंक्लूड करता है आर्टिकल 23-24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, और उसके बाद बेगर फोर्स लेबर होती है आपकी बंधुआ मजदूरी एंड सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर. एंड एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन शैल बी एन ऑफेंसिव पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ. फिर यहाँ पर ये जो राइट है आपका, इट इज अवेलेबल फॉर योर फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया एज वेल एज फॉर द नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया. मतलब अगर आप इंडियन सिटीजन हो या फिर आप नॉन, मतलब अगर आप यहाँ के सिटीजन नहीं भी हो तब भी आपको यहाँ पर ये राइट जो है वो मिलेंगे. एंड इट प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल नॉट ओनली अगेंस्ट द स्टेट बट ऑल्सो अगेंस्ट द प्राइवेट पर्सन. सो आर्टिकल 24 जो है वो प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट को, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन एनी फैक्ट्री mine or other hazardous activities like construction work or railway, but it does not prohibit their employment in any harmless or innocent work. Okay, moving forward, question number 48. बिल्कुल सही आंसर है इसका ए, ठीक है. तो सुमात्रा कम्स नियर बाय टू योर ग्रेट निकोबार. नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन एंड आंसर.
All right. The answer is C. Definitely, the parliamentary system is also known as the Westminster model of government. Responsible government and cabinet government. The constitution establishes parliamentary system not only at the center but also in the state. So the features of parliamentary government in India are presence of nominal and real executives, then majority party rule, collective responsibility of the executive to the legislature, membership of ministers in the legislature, leadership of prime minister or chief minister, dissolution of your lower house, Lok Sabha ya fir aapki assembly. Next question, question number 50. Answer hai iska D. The Constitution of India establishes a federal system of government and it contains all the usual features of a federation. So, two government, division of power, written constitution hai, supremacy hai constitution ki, rigidity hai constitution ki aur independent judiciary of bicameralism bhi hai. Moreover, the term federation has now a have been used in constitution article 1 jo hai aapka on the other hand describe karta hai ki jo india hai it as a union of states which implies two things one indian federation is not the result of agreement by the states and two no state has the right to secede from the federation next question question number 51 Answer is D. The report of Butler Committee on the relation between Indian state and British India. The committee advises that the Viceroy instead of Governor General and Council should be represented the Crown in all dealings with the state. So this proposed change is comparable with new imperial arrangement by the Governor General of a Dominion is High Commissioner for the Dominion Protectors, Protectorates. Or the committee sympathized karti thi with the fear of native prince that the states might pass without a concern under a new government in British India responsible to an Indian legislature. And they plainly expressed the opinion that no such transference should be made without the consent of the princes. Next question. Question number 52. The domestic consent requirement is sometimes seen in the news with the reference to the answer is A. Domestic content requirement jo hai it recently news mein raha tha and it is related to development of solar power production. So the World Trade Organization has ruled against India's domestic content policy for solar cells and modules. So India keep appeal the ruling in a bid to keep DCR ruled in place for government procurement. So the case against India was originally filed in 2013 following the announcement of DCR in JNNSM phase 2 policy and after India decided to file an anti-dumping case against US, China, Malaysia and Taiwan.
Next question, question number 53. Consider the following statements. See the statement and then answer. आंसर इसका है आपका डी. तो न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट जो है, दे आर यूनाइटेड स्टेट्स लेड इनिशिएटिव एंड दे आर नॉट अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड द इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल्स वाज फाउंडेड इन जनवरी 2006 एंड इट इज एन इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ आर्म्स कंट्रोल एंड नॉन प्रोलिफरेशन expert and not an organ of International Atomic Energy Agency. Sathis are from both nuclear weapon and non-nuclear weapon state. So its members include nuclear experts from 17 countries, जिसमें आपको ब्राज़ील आता है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया है, ईरान है, जापान है, मेक्सिको है, नॉर्वे है, पाकिस्तान है, साउथ कोरिया है, रशिया है, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स. Next question on your screen. Question number 54. Who among the following can join the national pension system? The answer of this question is C. NPS यानी कि National Pension System is a defined contribution based pension scheme जिसको लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा. एलिजिबिलिटी जो आपकी NPS की है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल न्यू एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस एक्सेप्ट आर्म फोर्सेज एंड सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज जॉइनिंग द गवर्नमेंट सर्विस ऑन और आफ्टर 1 January 2004. ऑलराइट, फिर NPS जो है वो आपका एप्लीकेबल है टू ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट स्टेट ऑटोनोमस बॉडीज जॉइनिंग द सर्विसेज आफ्टर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट. सो ऑल द सिटीजंस ऑफ इंडिया बिटवीन द एज ऑफ 18 टू 60 इयर्स एज ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ हिज ऑफ हर एप्लीकेशन टू पॉइंट ऑफ प्रेजेंस. तो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर कैन जॉइन NPS रिसेंटली एंड NRI were also allowed to open National Pension Scheme accounts online. All right, chale. Next question, question number 55, with reference to River Tista.
this question is B. Statement 1 is not correct. The river Teesta originates from the Pahunri or Teesta Kangsay Glacier and it flows southward through the Sikkim Himalaya. So where the Rangpo River joins and where it forms the border between Sikkim and West Bengal up to Teesta Bazar, just before the Teesta Bridge where the roads from Kalimpong and Darjeeling join. So the river is met by its main tributary, the Rangit River. Alright, next question. Question number 56. Answer is C. Zika virus is primarily transmitted to people through the bite of an infected mosquito. ठीक है? And यहाँ पर it is like Aedes जो genus है उससे ही आपका ये mosquito होता है. Mainly Aedes aegypti in tropical region. So this is the same mosquito that transmit dengue, chikungunya and yellow fever. So although Zika virus is primarily transmitted through mosquitoes, it can also be sexually transmitted as well. Okay, next question, question number 57. Good morning, Vishal. चलो भाई, आंसर इसका है ए. 2010 में a certification from the Bureau of Indian Standard has been made mandatory for all types of automotive tires and tubes. EGMARK is a certification marked employed on agricultural products in India. Saath hi saath assuring that they conform to set of standards approved by the Directorate of Marketing and Inspection. So an agency of Government of India, the EGMARK is legally enforced in India by Agricultural Products Grading and Marketing Act of 1937 and it is amended. Okay, ab dekho, question number 58. What is are the advantages of implementing the National Agriculture Market Scheme? Answer iska hai aapka C. National Agriculture Market is a pan-India electronic trading portal which network the existing APMC mandis to create a unified national marketing for agricultural commodities. So hence statement 1 is correct and
NAM promote करता है uniformity, streamline of procedure across the integrated markets, remove the information asymmetry between the buyers and sellers, and promote real-time price discovery. And it is based on actual demand and supply that promotes transparency in auction process and access to a nationwide market for the farmer, with prices commensurate with quality of the produce and online payment and किस तरीके से यहाँ पर बेटर क्वालिटी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है और बहुत ही ज्यादा रीजनेबल प्राइस पे मिलती है कंज्यूमर को. ओके, सो द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 59. आंसर इसका है सी. द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी इन 2016 दैट विल ले द फ्यूचर रोड मैप फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन इंडिया. सो दिस पॉलिसी शैल वीव इन द स्ट्रेंथ ऑफ गवर्नमेंट रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कॉर्पोरेट एंटिटीज इंक्लूडिंग MSME स्टार्टअप्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स इन द क्रिएशन ऑफ एंड इनोवेशन कंड्यूसिव. So which stimulates creativity and innovation across the sectors as also facilitate a stable, transparent and service-oriented IPR administrator in the country. तो ये जो पॉलिसी है ये रिकॉग्नाइज करती है इंडिया के अंदर कि किस तरीके से वेल एस्टैब्लिश है आपका ट्रिप्स कंप्लाइंट लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल फ्रेमवर्क ताकि सेफ गार्ड कर सके हम लोग IPR को जो कि मीट करता है इट्स इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन वाइल यूटिलाइजिंग द फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइडेड इन द इंटरनेशनल रिजाइम टू एड्रेस इट्स डेवलपमेंटल कंसर्न. ओके, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाता है और दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर आपका बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60. चलिए 60 का आंसर है यहाँ पर आपका डी. घड़ियाल ग्रैविलियस गैंगिटियस इंडियन वाइल्ड एस ठीक है एंड योर वाइल्ड बफलो ऑल आर मेंशन अंडर द शेड्यूल 1 फॉर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61.
चलिए आंसर इसका है यहाँ पर डी. There is no legislative process to provide to impose the fundamental duties, and they are not correlated to legal duties like the directive principles. So the fundamental duties are also non-justiciable, and the constitution does not provide for their direct enforcement by the courts. So moreover, there is no legal sanction against their violation. Next question, guys. Question number 62. Good morning, Aishwarya. Good morning. चलो भाई आंसर इसका मैं बता देती हूँ आपको. इसका आंसर है बी. सो द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन वॉज एस्टैब्लिश ऑन 31st of October 1851. तो जो पहली कमेटी थी जो एसोसिएशन की वो कंपोज कर रही थी आपके राजा राजगंगा देव, प्रेसिडेंट राजा काली कृष्णा देव, वाइस प्रेसिडेंट देवनाथ टैगोर, सेक्रेटरी दिगंबर मित्रा, असिस्टेंट सेक्रेटरी, और इनमें 1884 जो आपके एम वीरा राघवन चरियार थे, ठीक है, और जो आपके जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, पी आनंद चरलू, इन्होंने एस्टैब्लिश किया था द मद्रास महाजन सभा, ठीक है. उसके बाद जो आपके गजलू लक्ष्मी मीनारसू चेट्टी हैं, ही वॉज एन इंडियन मर्चेंट जिन्होंने यहाँ पर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट रहे थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने यहाँ पे मद्रास नेटिव एसोसिएशन एंड इंडियन एसोसिएशन वाज़ द फर्स्ट डिक्लेयर्ड नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन ब्रिटिश इंडिया बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस इन 1876. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बोडीड इन द प्रीएम्बल ऑफ द टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. Answer is B. The preamble secures to all citizens of India liberty and of thought, expression, belief, faith and worship through their fundamental rights enforceable in court of law in case of violation. The ideal liberty, equality, fraternity in our preamble have been taken from the French Revolution 1789 to 1799. Question number 64. Quality Council of India PEP. आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पर है सही. चलो आंसर है यहाँ पर सी.
Quality Council of India was set up jointly by the Government of India and Indian industry, represented by the three premier industry associations, that is Associated Chambers of Commerce and Industry of India, then Confederation of Indian Industry and Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, to establish and then operate national accreditation structure and promote quality through national quality campaign. Chairman of your QCI and appointed by the Prime Minister on recommendation of industry to the government. So the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry is the nodal ministry for your QCI. ठीक है, चलिए. Next question, question number 65. Small Finance Bank के ऊपर यहाँ पर आपके दो तीन statement दिए गए हैं. ठीक है, first, second and third. आंसर इसका है यहाँ पर ए. The objectives of setting up a small finance bank would be further financial inclusion by provision of saving vehicles, supply of credit small business units and small and marginal farmers, micro and small industries and other unorganized sector entities through the high technology, low cost operation. Question number 66. Answer is D. The first Asia Pacific Ministerial Conference on Housing and Urban Development was held in New Delhi, India from 13 to 16 December 2006 on the theme of a vision for sustainable urbanization in the Asia Pacific by 2020. So emerging urban forms, policies, responses and governance structure was the theme of 6th Asia Pacific Conference on Housing and Urban Development held in December 2016. अब यहाँ पर जो second हुआ था आपका, it was held in Tehran, Islamic Republic of Iran. Third in Solo, Republic of Indonesia. Fourth in Amman, यानी कि आपका Hashemite Kingdom of Jordan. And fifth हुआ था आपकी Seoul में, Republic of Korea. Further, it is a consultative mechanism in the promotion of sustainable development of housing and urban development in Asia-Pacific region, established under the aegis and support of UN Habitat. Alright, next question, question number 67. Democracy's superior virtue lies in the fact that it falls into activity. Thank you.
चलिए आंसर इसका है ए. द ऑब्जेक्ट ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू मिल व्यू बीइंग द अटेनमेंट ऑफ वैल्यूज एंड वर्च्यूज इन मेन सो दैट सेल्फ डेवलपमेंट इट इज एसेंशियल दैट गवर्नमेंट शुड बी of those whose self-development is being sought. So this is only possible if people participate in making working of the government or the government is truly representative. Virtue and intelligence should become genuine attributes of character in a citizen and then through participation people at large would be able to control the rulers by influencing character and direction of public policy. Okay, next question guys. Question number 68. Which of the following is most likely consequence of implementing the unified payment interface? चलिए देखिए आंसर इसका है यहाँ पर ए. तो यूपीआई इज अ पेमेंट सिस्टम जो कि अलाउ करता है मनी ट्रांसफर बिटवीन एनी टू बैंक अकाउंट बाय यूजिंग अ स्मार्टफोन. ठीक है, तो यूपीआई अलाउ करता है कस्टमर को कि वो डायरेक्टली पे कर दे अपने बैंक अकाउंट से टू अ डिफरेंट मर्चेंट. सो बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन विदाउट द हैसल ऑफ टाइपिंग क्रेडिट कार्ड डिटेल्स आईएफएससी कोड ये सारी चीजें आपको नहीं करनी पड़ेंगी विद यूपीआई. ओके, क्वेश्चन नंबर 69. द फर्स्ट टर्म्स इवेंट Horizon, singularity and string theory and standard model are sometimes seen in the news in the context of The answer of this question is A. Now the terms event horizon boundary in space-time singularity location in space-time where the gravitational field of celestial body becomes infinite. String theory links together all the physical aspects, standard model, unifying the four fundamental forces and they are related to the observation and understanding of the universe. Okay, next question guys. Question number 70. With reference to agriculture in India, how can the technique of genome sequencing, often seen in the news, be used in the immediate future? आंसर है इसका डी. सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ओवर हियर. जीनोम सीक्वेंसिंग इज फिगरिंग आउट द ऑर्डर ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स और बेसेस इन अ जीनोम द ऑर्डर ऑफ योर ए सीज एंड जीस एंड द टीस
that make up an organism DNA. So genome sequencing of wide varieties of plants can be used to identify diseases, resistance and drought tolerance genes in various plants and developing new varieties of crop plants in lesser time. So genome sequencing of crop plants can be helpful in deciphering and understanding the host pathogen relationship in the crops. All right, moving on to the other question. Question number 71. Now, the main advantage of parliamentary form of government is that Chalo. Answer of this question is C. The parliamentary system is known as the Westminster model of government, responsible for the government and cabinet government, and the constitution established parliamentary system not only at the center but also at the state. So the features of parliamentary government: presence of nominal and real executives, majority of party rule, collective responsibility of the executive to the legislature, and membership of the ministers in the legislature. So the leadership of prime minister or the chief minister, dissolution of your lower house, yani ki Lok Sabha ya fir assembly. Question number 72. In context of India, which one of the following is the correct relationship between rights and duties? Answer of this question is A. Rights are what we want others to do for us, whereas the duties are those acts which we should perform for others. So thus a right comes with an obligation to show respect for the rights of others, and the obligation that accompany rights are in the form of duties. Next question, guys. Question number 73. The mind of makers of the constitution of India is reflected in which of the following? Answer is the preamble. In Berubari case, जो आपका बेरुबारी यूनियन केस हुआ था 1960 का, द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द प्रीएम्बल शोज द जनरल पर्पस बिहाइंड इट्स सेवरल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज अ की टू माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74. इफ यू ट्रैवल बाय रोड फ्रॉम कोहिमा टू कोट्टायम, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स विद इन द इंडिया थ्रू व्हिच यू कैन ट्रैवल इंक्लूडिंग द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन. वेरी नाइस क्वेश्चन, डू आंसर.
चलो आंसर इसका है बी, 7 स्टेट्स. द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम कोहिमा दैट इज योर नागालैंड कैपिटल एंड कोट्टायम केरला पासेस थ्रू द फॉलोइंग स्टेट नागालैंड असम वेस्ट बंगाल उड़ीसा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु एंड देन केरला. ओके सो द आंसर इज बी, 7 स्टेट्स जो है वो पड़ती हैं आपके बीच. ठीक है जी. चलिए क्वेश्चन नंबर 75. The Parliament of India exercises control over the functions of Council of Ministers through adjournment motion, questionnaire, supplementary questions. Answer the following question, please. यहाँ पे है डी. The Parliament exercises control over the ministers through various devices like questionnaire, discussion, adjournment motion, no confidence motion, etc. Question number 76. With reference to the Parliament of India, consider the following statement. A private member bill is a bill presented by a member of Parliament who is not elected but only nominated by the President of India. दूसरा है कि भैया private member जो bill है आपका it has been passed in the Parliament of India for the first time in its history. Answer इसका D है. A private member bill is introduced by any member of parliament other than a minister and it is introduction in the house require 1 month notice. So its drafting is the responsibility of member concerned and the last private member bill passed by parliament was the Supreme Court. Enlargement of the criminal appellate jurisdiction bill 1968 which became an act on August 9, 1970 and the rights of transgender person bill 2014 passed by the Rajya Sabha on Friday and it is the first private member bill to get the upper house approval in the past 45 years. All right. Next question, question number 77. With reference to the difference between the culture of Rig Vedic Aryans and Indus Valley people, which of the following statement is correct? Answer है इसका A. Statement 1 is correct. Rigvedic Aryans used the coat of mail and helmet in warfare, whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them. Statement 2 जो है, it is not correct. Various materials were used in Harappan civilization to make beads. Stones like आपके carnelian, jasper, crystal, quartz and steatite. Metals like copper, bronze, gold. Shell, fence and terracotta or burnt clay and some beads were made up of two more stones cemented together, some of stones with gold caps. Statement 3 is also not correct. Evidences of wars come from the superficial level of Mohenjo-daro and former terracotta figure jo ki hame Lothal mein dekhne ko mili and remains of the horse have been reported from Surko Tada belonging to around 2000 BC. Okay, and a few horse teeth have been found in the lowest stratum of Baluchistan site of Ran of Gundal and probably dating from the several centuries earlier than the foundation of Harappa. So this would indicate that horse riding nomads found their way to northwestern India in small numbers long before the Aryan invasion. Question number 78.
चलो आंसर है इसका ए. The recognition of prior learning is an assessment of skills required by the individual through experience, observation and self-learning. So the assessment which is followed by a certification gives an edge to an otherwise informal worker and it provides the employee with the confidence, social recognition and empowerment that are necessary to negotiate his future employment. Following successful assessment, a candidate is given a financial reward in addition to the certification. Next question, question number 79. From the ecological point of view, which one of the following assumes importance in being a good link between Eastern Ghats and Western Ghats? आंसर है इसका ए. सत्यमंगलम फॉरेस्ट रेंज इज अ सिग्निफिकेंट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर इन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द रेस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स लोकेटेड इन द एरोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु. सो द सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द स्टेट एंड विथ अ फॉरेस्ट एरिया ऑफ करीब 1411.6 square kilometers. The reserve is a part of the Nilgiri Biosphere Reserve and it lies between the Western Ghats and rest of the Eastern Ghats. Situated in a key position between the Western and Eastern Ghats and जो आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है boasts of a wide variety of fauna. The reserve also adjoins four other protected areas, ठीक है, बिलीगिरी रंगा, स्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिगूर प्लेट्यू, मधुमलाई नेशनल पार्क एंड बंदीपुर नेशनल पार्क. नेक्स्ट क्वेश्चन. वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वलिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ चलिए आंसर ए है. द टर्म इक्वलिटी मीन्स द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड द प्रोविजन ऑफ एडिकेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल द इंडिविजुअल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 81. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ योर ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स. चलो भाई आंसर है इसका बी. ट्रैफिक द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क इज द लीडिंग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ग्लोबली ऑन ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोथ बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो द ट्रैफिक वॉज एस्टैब्लिश इन 1976 बाय IUCN and WWF to respond to the growing threats posed by illegal wildlife trade and over-exploitation. So, it is not a bureau under UNEP. Alright. Next question, question number 82, and this would be the last question.
आंसर है बी. 42nd Amendment Act of 1976 added four new directive principles to the original list. So they required the state first to secure opportunities for healthy development of children, Article 39, and dusra ke promote kare equal justice ko, provide kare free legal aid ko aapke har ek poor insaan ko, Article 39 8 ke antargat aata hai. Fir teesra hai ki to take steps to secure the participation of workers in the management of industries, Article 43 A. And to protect and improve the environment and to safeguard forest wildlife, Article 48A. All right. Chalo, ek last question aur dekh lo. Question number 83. Which one of the following statement is correct? Is question ko dekho and you will be giving the answer tomorrow. Theek hai? नहीं ऐश्वर्या, इवनिंग में नहीं होती, सुबह 9 से 10 ही होती है बस. कल बताना है सुहानी, अभी नहीं बताओ. ओके चलिए, अब हम मिलेंगे कल. ठीक है, तो जिस जिसको क्लास अच्छी लगी है वो उसे लाइक कर दे. ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच गाइस टू जॉइन इन द क्लास एंड हैव अ रियली वंडरफुल डे अहेड. ठीक है, सब अपनी पढ़ाई करते रहो इसी तरीके से. बाय गाइस, टेक केयर.